हाय गाइस, इट्स मी आदित कुंद्रा फ्रॉम आदित गिटार लेसन्स। आज का जो वीडियो है, इसमें हम एक गिटार की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका मैं रिव्यू करूंगा, देन मैं इसका साउंड डेमो करूंगा, एंड फाइनली आई बी गिविंग इट अ स्कोर। ये गिटार जो है, दिस हैपेंस टू बी ऑफ दिस ब्रांड कॉल्ड इंटर्न, एंड आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट गिटार अवेलेबल इन इंडिया। ये गिटार मैंने अमेजोन से खरीदा है, मुझे कुछ 1700 का पड़ा आफ्टर डिस्काउंट्स। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द रिव्यू। बट बिफोर दैट मैं आपको क्विकली दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो मैंने अपनी बहुत रिसेंटली अपना एक म्यूजिक थ्योरी कोर्स स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल म्यूजिक थ्योरी बाय आदित कुंद्रा। एंड ये जो कोर्स है, दिस इज फॉर ऑल लेवल्स ऑफ म्यूजिशियनशिप, चाहे आप मान लीजिए बिगिनर होए, चाहे आप इंटरमीडिएट होए, चाहे आप एडवांस्ड होए। तो इट्स अ फैंटास्टिक कोर्स, एंड ये इसका जो कोर है वो म्यूजिक कॉम्पोजिशन के अराउंड है। सो डू चेक दैट कोर्स आउट, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। दैट्स वन पॉइंट। नंबर टू, मेरा फेसबुक में कम्युनिटी है जिसका नाम है द गिटार गैंग बाय आदित कुंद्रा। It has a lot of like-minded musicians and guitar players. अगर आपके कुछ भी doubts होते हैं with respect to music, musicianship, guitar playing, उसमें लिखिए, a lot of people will answer. It's a lot of fun. So join that community. Okay, so हम अब करते हैं अपने गिटार की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग के लिए मेरे को चाहिए नाइफ। So ये गिटार जो है, it's a pretty light guitar, but I was kind of expecting this, क्योंकि given the price point. By the way, मैंने इसी price range में एक और गिटार का review किया था, which was the URS 038C. तो I'm expecting this guitar to be very similar. ठीक है, तो ये इसकी मैंने front खोल दिया है। अच्छा, इसमें strap, picks, strings, guitar and bag, ये सब included है. So it's a nice deal, I think, yeah. Given the price, it's a good deal. तो ये इसकी packaging है, ये मैंने खोला। So, ये गिटार जो है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ। Let's just look at the accessories that we've got with it. इसके अंदर एक सेपरेट बैग है, एक पाउच है, जिसमें सारी एक्सेसरीज हैं। ये बैग जो है, ये मैं फेंक रहा हूँ। तो चलिए इसका एक्सेसरीज किट देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ चीजें मिल रही हैं। तो पहली चीज तो इसमें है अपना गिटार बैग। एज एक्सपेक्टेड, इट्स अ वेरी फ्लिम्सी सा बैग। ये बैग जो है, इसका मेन पर्पस यही रहेगा कि अगर मान लीजिए आपने गिटार को कैरी करना है, देन दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। एंड ऑफ कोर्स गाइस, लेट्स रिमेंबर कि ये गिटार जो है, ये पूरा किट आपको 1700-1800 टाइप्स का मिल रहा है, तो वी शुड रियली बी कंप्लेनिंग। आई थिंक दिस इज प्रीटी गुड यार, दिस इज प्रीटी गुड गिवन द प्राइस। ठीक है, तो गिटार बैग हो गया। बाकी ये पिक्स है, पिक्स आई बिलीव आर द 0.46, यस 0.46 ही है। कितने पिक्स दिए उन्होंने? तीन पिक्स दिए हैं, एंड आई थिंक तीनों 0.46 mm पिक्स दिए हैं, विच आर आई थिंक विच इज अ गुड डिसीजन, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स के लिए जनरली लाइट पिक्स ही बेटर रहते हैं। सो 0.46 के तीन पिक्स हैं। एंड क्या चीजें हैं? एंड देयर इज द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो ये है इंटर्न फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है। ये है 10 गेज, ठीक है, 0.01 गेज की स्ट्रिंग्स है। 0.01 जो होते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा लाइट स्ट्रिंग्स होती हैं। अगेन आई कैन अंडरस्टैंड कि इन्होंने ये स्ट्रिंग्स क्यों दी हैं, बिकॉज बिगिनर्स के लिए वो चाहते हैं कि पतली स्ट्रिंग्स होए। तो इट्स अ गुड डिसीजन कि इन्होंने ये वाली स्ट्रिंग्स दी हैं, लेकिन आई डोंट थिंक फॉर द साउंड दिस इज अ गुड सेट। मैं बताऊंगा आपको बाद में ड्यूरिंग द रिव्यू, आई टॉक मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग्स हैं। बाकी और क्या दिया इन्होंने? एंड इन्होंने फाइनली ये गिटार का स्ट्रैप दिया है। गिटार का स्ट्रैप है, साथ में वो थ्रेड भी है, शू लेस थ्रेड जो है, ये जो है। अच्छा, तो अगर इन्होंने ये भी साथ में दिया स्ट्रैप के, सो दिस मींस कि इसमें ब्रिज पिन एक ही है, सॉरी ब्रिज पिन नहीं, सॉरी स्ट्रैप पिन इसमें एक ही लगा है। मैं वो भी चीज आपको बाद में बताऊंगा ड्यूरिंग द रिव्यू। ठीक है, तो ये तो चीजें इन्होंने एक्सेसरीज जो दी हैं, हो गई। अब हम गिटार को देखते हैं। गिटार भी इन्होंने बबल रैप्ड है, एंड इट्स अ वेरी लाइट गिटार। बबल रैप इज गुड टू प्रोटेक्ट द गिटार। लेट्स जस्ट ओपन दिस बैग एंड हैव अ लुक। Okay, so this is a black colored Intern 38C. Right off the bat, very light guitar and looks nice. Honestly, it looks very similar to jo aapka URS ka 38C tha. In fact, I won't really be surprised if both URS guitar aur ye guitar jo Intern hai, ye ek hi factory mein manufacture hote hain. Dono China mein bane hain. Theek hai, so I won't be surprised agar ek hi factory mein bante hain, ek hi machine bante hain, in fact. ठीक है, एंड इसका जो ये ब्रिज है, इट्स मेड ऑफ प्लास्टिक। आई डोंट रिमेम्बर URS प्लास्टिक था कि नहीं था, बट ओके, इट्स अ वेरी वेरी लाइट। आई एम सरप्राइज्ड, इट्स गॉट अ स्ट्रैप इन हियर, नॉट बैड, नॉट बैड। तो हम क्या करेंगे, हम मेरे जो रिव्यूज होते हैं स्टैंडर्ड में, क्या फॉर्मेट होता है मेरा, सबसे पहले आई चेक द डायमेंशंस, बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे
डायमेंशन से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है गिटार की, गिटार के बारे में साउंड किस तरह से होने वाली है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आपका खुद का इंस्ट्रूमेंट है यू शुड ऑलवेज नो एवरीथिंग अबाउट इट. तो ये जो गिटार है इसका हम लेंथ चेक कर लेते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ 3/8 मॉडल तो इट हैज टू बी 38 इंचेस. तो हम इसको चेक कर लेते हैं. इट्स एग्जैक्टली 38 इंचेस. बाकी इट्स गॉट अ कट अवे. ठीक है कट अवे है तो मैं इसका ऐसे करता हूँ मैं बस इसका लो बाउट मेजर कर लेता हूँ. लो बाउट बेसिकली होता है ये पार्ट. ठीक है तो अगर मैं इस पार्ट को मेजर करूंगा तो इट्स अराउंड 14.5 इंचेस. ओके विच इज नॉट बैड. ठीक है जो स्टैंडर्ड ड्रेडनॉट होते हैं हमारे 16 and a half inches होते हैं. ये इसकी जो थिकनेस है थिकनेस हम देख लेते हैं. थिकनेस इज अराउंड 3.2 inches है. तो अगेन जो साउंड बॉक्स होता है साउंड बॉक्स अगर ज्यादा बड़ा होगा तो द साउंड दैट यू विल गेट इज गोइंग टू बी ज्यादा ज्यादा वाइब्रेंट साउंड होगी. बेस अच्छा होएगा. ठीक है तो इफ यू हैव अ बिगर साउंड बॉक्स. बाकी इसका स्केल लेंथ देख लेते हैं. स्केल लेंथ बेसिकली होता है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो वाइब्रेट करती है. मतलब ये नट से लेके सैडल तक जो डिस्टेंस होता है इसको जो लेंथ होती है इसको स्केल लेंथ बोला जाता है. तो इसको भी हम मेजर कर लेंगे. जो स्टैंडर्ड जनरली गिटार्स होते हैं उसमें 25.3 होता है. तो ये दिस इज अराउंड 25 inches. ठीक है सो अगेन नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी अबाउट दिस गिटार. बट अगेन जैसा कि मैंने बोला इट्स गिवन द प्राइस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डील. इसके फ्रेट्स अगर हम देखेंगे तो एक चीज आपको देखिएगा कि ये क्योंकि छोटा गिटार है तो ये जो इसका साउंड बॉक्स है ये 12th fret में मीट कर रहा है फ्रेट बोर्ड को. ठीक है जो दूसरे जनरली अकूस्टिक गिटार्स होते हैं उसमें 14th fret पर मीट करता है. जो हमारे क्लासिकल गिटार्स होते हैं जो नायलन स्ट्रिंग के गिटार्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें जो साउंड बॉक्स होता है वो फ्रेट बोर्ड को 12th fret पर मीट करता है. तो इसमें भी 12th fret पर मीट कर रहा है. तो हम कैसे इसमें नंबर ऑफ फ्रेट्स भी कम होंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो इसमें 18 frets ही हैं जो आपके नॉर्मल अकूस्टिक गिटार्स होते हैं 14, 41 inches. उसमें 20 या 21 frets होते हैं. बट अगेन दीज थिंग्स शुडंट रियली मैटर बिकॉज ये बिगिनर्स जो हैंगे बिगिनर्स हम जनरली ये गिटार लेंगे तो वो इधर कुछ ज्यादा प्ले करने नहीं वाले हैं. आई डोंट इवन नो इसमें कट वे क्यों किया बिगिनर्स इधर भी ज्यादा कुछ प्ले क्या करेंगे. बट चलिए ठीक है तो ये गिटार जो है इसके हमने डायमेंशंस देख लिए. इसका जो मटेरियल है 100% श्योर कि ये लिंडन वुड होएगा. लिंडन वुड जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ जो भी हमारे चाइनीज गिटार्स होते हैं लिंडन इज अ वुड जो बेस वुड होता है. एंड चाइना में जो चीपर गिटार्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो जनरली लिंडन के बने होते हैं. तो इसकी जो टॉप प्लेट होगी आई एम वेरी श्योर लैमिनेटेड है एंड इट्स गोइंग टू बी मेड ऑफ लिंडन. इसकी जो बैक एंड साइड्स होंगी ये भी लिंडन होगी. इसकी जो नेक होगा ये भी आई एम वेरी श्योर लिंडन ही होने वाला है. इसका जो फ्रेटबोर्ड है इसका फ्रेटबोर्ड आई जहां तक मेरे को याद है इन्होंने अपनी वेबसाइट तो इनकी है नहीं बट अमेजोन में लिखा हुआ था कि एबनी है. यूआर के गिटार में भी इसमें एबनी लिखा था. आई डोंट बिलीव इट्स गोइंग टू बी एबनी क्योंकि एबनी इज वेरी एक्सपेंसिव. ठीक है तो आई डोंट नो कि ये ऐसी चीज क्यों लिखते हैं कि इट्स एबनी बट आई डोंट थिंक इट्स एबनी. एबनी जनरली ऐसे ब्लैक कलर का ही होता है तो मेरे हिसाब से ये पेंटेड होता है बट इट्स क्लियरली इट्स डेफिनेटली नॉट एबनी. ठीक है तो आई थिंक इट्स मे बी रोजवुड चीपर रोजवुड जिसको उन्होंने ब्लैक कलर किया हुआ है. ठीक है बाकी अगर हम गिटार देखें तो जैसे मैंने बताया था प्लास्टिक इसका ब्रिज है. शुडंट रियली मैटर बट द गिटार लुक्स प्रीटी गुड. अगेन मैं जो भी चीजें बोल रहा हूँ मैं विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस बोल रहा हूँ. प्राइस 1700 का मेरे को अगर गिटार मिला है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड डील. प्लस इसमें स्ट्रैप पिन मैंने आपको बताया था दो हैं. अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरली जो गिटार्स होते हैं उसमें स्ट्रैप पिन एक ही लगा होता है. यहाँ पे स्ट्रैप पिन लगा होता है. अच्छे गिटार्स होते हैं उसमें यहाँ पे भी स्ट्रैप पिन होता है. तो इससे फायदा क्या होता है अपनी जो बेल्ट होती है जो स्ट्रैप होता है उसको आप यहाँ पे टाई कर सकते हैं. तो अगर दो होंगे तो अगर एक होएगा तो आपको या तो यहाँ पे खुद स्ट्रैप पिन लगवाना पड़ेगा या आपको अपना स्ट्रैप पिन यहाँ पे बांधना पड़ेगा. तो आपने देखा था ना इसके स्ट्रैप पिन के साथ इन्होंने एक शू लेस दिया होता लेस जो लिया था थ्रेड जो दिया था वो इसलिए होता है कि आप उसको यहाँ पे बांध सकें. लेकिन मेरे को वो कन्वीनियंट नहीं लगता. तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी कूल थिंग कि इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैप पिन लगाया है. एंड यामाहा कोर्ट ये सब जो है दीज गिटार शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम दिस गिटार फ्रॉम इंटर्न की यहाँ पे एक स्ट्रैप पिन दो. ठीक है सो दैट्स अबाउट द ओवरऑल कंस्ट्रक्शन. एंड इसके जो पीछे ट्यूनर्स है दीज आर ओपन ट्यूनर्स. ठीक है विच इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम. आई एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक दिस लुक मेरे को अच्छा लगता है. जो हमारे अगेन जो क्लासिकल गिटार्स होते हैं नायलन स्ट्रिंग गिटार्स उसमें ओपन ऐसे ट्यूनर्स होते हैं. सो आई थिंक लुक्स वाइज दिस इज अ वेरी नाइस लुकिंग गिटार. ठीक है एंड अगेन गिवन द प्राइस इट्स फैंटास्टिक. सो हम क्या करेंगे हम इसको प्ले करेंगे. लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा प्ले करने से पहले और वो ये है कि
ये गिटार जो है ना, इसकी एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि प्राइस बहुत कम है, सो इसमें ट्रस रॉड नहीं होता, ठीक है। ट्रस रॉड बेसिकली क्या होता है, हमारी जो नेक होती है इसके अंदर एक रॉड होती है, और वो ट्रस रॉड का इंटेंट होता है कि जो गिटार जब ट्यून्ड होता है तो ये इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं नेक को अपनी तरफ खींचती हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स होती हैं अपनी तरफ खींचेंगी, तो उसको बैलेंस, काउंटर बैलेंस करने के लिए अंदर एक रॉड लगी होती है जिसको ट्रस रॉड कहा जाता है। तो इसमें ट्रस रॉड नहीं है, तो जब गिटार्स में ट्रस रॉड नहीं होती तो जनरली इन अ कपल ऑफ इयर्स इनकी नेक मुड़ जाती है, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, लेकिन देर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हैं जस्ट टू इंश्योर कि इसकी जो नेक है वो मुड़े ना, ठीक है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू सम टिप्स जस्ट टू इंश्योर कि आप इसकी गिटार की जो मेंटेनेंस है आपकी सही रहे, ठीक है, गिटार ठीक कंडीशन में रहे एंड फॉर इट टू साउंड वेरी गुड इज वेल। तो पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने शाहरुख खान नहीं बनना, ठीक है। तो शाहरुख खान नहीं बनने का मतलब है ऐसे गिटार को लेके ऐसे करके जो शाहरुख खान घूमता है ना, ऐसे मत करना, ठीक है। तो ये दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द ट्रस्ट रॉड। आपने अगर हीरो बनना है तो वो बनो, वो कौन है, एंटोनियो बैंडरास, पता है, डेस्परेडो में, तो अपना स्ट्रैप जो बैग होता है बैग में रखता है गिटार को एकदम स्टाइल से लेके जाता है, तो डोंट बी शाहरुख खान, बी एंटोनियो बैंडरास, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि गिटार को आपने ऐसे करके घूमना नहीं है, ठीक है, स्टाइल में ऐसे कॉलेज में। सेकेंड चीज जो है, गिटार को अगर कहीं पे आप रेस्ट करेंगे ना तो गिटार को नेक पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए, मैं काफी बार देखा है कि मेरा गिटार कहीं घर में पड़ा होता है तो हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प आती हैं वो क्लीन करने के लिए, वो गिटार को ऐसे सोफे में रख देंगी, तो गिटार ऐसे 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 रेस्ट कर रहा होता है, मतलब ऐसे रेस्ट कर रहा होता है, ऐसे नेक पे रेस्ट कर रहा होता है, जैसे सोफे पे रख दिया तो ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द नेक, ठीक है। तो हमेशा गिटार को फ्लैट सर्फेस में रखिए। मैं गिटार को अपने बेड में ऐसे करके रख देता हूँ, या तो मैं ऐसे रखता हूँ, या मैं क्या करता हूँ कि जैसे आपका रूम होता है, रूम का जो कॉर्नर होता है, रूम के कॉर्नर में आपने ऐसे करके रेस्ट करके रख दिया, ताकि इस पे ज़्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स टिप नंबर टू, जस्ट टू इंश्योर कि आपका जो फ्रेटबोर्ड है, जो नेक है, वो मुड़े ना। और क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, अगेन इस पर मैं थोड़ा डिटेल वीडियो बना दूंगा, मैं आपको सिर्फ टॉप ऑफ माइंड से बताता हूँ। एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, अपना जो फ्रेटबोर्ड होता है, बिकॉज ये थोड़े से चीप फ्रेटबोर्ड होते हैं, तो इसको कंडीशन करते रहिए, ठीक है। तो मैं अभी करूंगा, लेट मी सी, तो मैं अपना सामान ढूंढ रहा था। सो आई जनरली यूज दिस थिंग कॉल्ड लेमन ऑयल। तो लेमन ऑयल को ये जो होता है, ये बहुत ही अमेजिंग इन्वेस्टमेंट होगी, ये आप जरा सा यूज होता है एंड दिस विल लास्ट यू अ लाइफ टाइम, ठीक है। तो अपने जो फ्रेटबोर्ड होता है, फ्रेटबोर्ड को लेमन ऑयल लीजिए, लेमन ऑयल को कपड़े में लगाइए एंड पूरा क्लीन कर दो। साल में आप अगर दो बार भी कर देंगे ना, दैट्स मोर देन इनफ। तो तीसरी चीज आप इसको मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं, इसकी फ्रेटबोर्ड में लेमन ऑयल लगाइए, ठीक है। देन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल इंश्योर कि आपका गिटार की साउंड अमेजिंग रहे, इज टू कीप चेंजिंग द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो गाइज, ये आपको इंटर्न जो कंपनी है, इन्होंने 1700-1800 जितने का भी आपको गिटार और इतनी सारी चीजें दी हैं, तो इट्स अ फैंटास्टिक डील। बट ऑफकोर्स वो कहीं कहीं पे तो कॉर्नर्स कट करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग्स होंगी ये अच्छी क्वालिटी स्ट्रिंग्स नहीं होंगी। तो जनरली जो लोगों की आदत होती है, वो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स बदलते ही हैं, तो यू हैव टू कीप चेंजिंग द स्ट्रिंग्स। मेरे हिसाब से कुछ 3-4 महीने में यू हैव टू चेंज द स्ट्रिंग्स। तो यूज अ गुड क्वालिटी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। मेरे पास अभी ये पड़ा हुआ है, तो मैं अभी ये वाली जो स्ट्रिंग्स है ये लगाऊंगा। ये मेरी एक्चुअली 11 गेज की स्ट्रिंग्स है, तो आई विल डू दैट। एंड फाइनली, अगर मान लीजिए आपको एक और अपना एक्सेसरीज किट बनाना है, देन देर इज वन टूल विच यू डेफिनेटली नीड, एंड दैट इज एक्चुअली दिस थिंग विच इज कॉल्ड प्रो वाइंडर। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ अपना गिटार मेंटेनेंस पे, और मैं बता चुका हूँ दिस इज लाइक अ लाइफ टाइम, अगेन इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके 3 बेनिफिट्स होते हैं, आप स्ट्रिंग्स को कट कर सकते हैं, आप ईजिली स्ट्रिंग्स को वाइंड कर सकते हैं, ठीक है, इसके साथ। एंड फाइनली इसमें एक ब्रिज पिन रिमूवर होता है, तो आप ब्रिज के जो पिन्स होते हैं वो ईजिली निकाल सकते हैं। इसमें ब्रिज के पिन्स हैं नहीं, तो you don't really need to worry about this, but this tool is pretty handy. चाहे आप beginner हो, advanced हो, intermediate, कोई भी level के हो, always keep a pro wind with you. तो अगर आप वही accessories खरीदना चाहते हैं जो मैं use करता हूँ, तो इनके नीचे links होंगे description box में, तो you can actually click on them and you can purchase them. Okay guys, so before we get into the sound demo, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैंने इस गिटार को ट्यून करा एंड देन आई वॉज प्लेइंग इट, बट आई जस्ट फेल्ट कि इसकी जो साउंड थी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन साउंड ना अच्छा आने का रीजन वॉज नॉट कि ये गिटार अच्छा नहीं है, दैट वॉज बिकॉज इसकी जो स्ट्रिंग्स थी, जो इसमें ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रिंग्स आई थी, वो अच्छा सेट नहीं था, ठीक है। एंड आई न्यू दैट, क्योंकि उन्होंने इतना सस्ता गिटार बनाया है और इतनी सारी आपको एक्सेसरीज दी हैं, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने कॉर्नर्स कट करे होंगे, जैसे मैंने पहले कहा था। तो इन्होंने स्ट्रिंग सेट जो यूज किया था बहुत चीप था, तो मैंने स्ट्रिंग्स को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बोला था कि इसमें इन्होंने 10 गेज स्ट्रिंग्स दी थी, लेकिन मेरे हिसाब से इस गिटार के लिए 10 गेज स्ट्रिंग्स सही नहीं है। वाई? बिकॉज ये गिटार जो है ये पतला गिटार है, तो इसमें एनीवेज मेरे को ज्यादा वार्म साउंड नहीं आ रही। जो
लाइट एक्स्ट्रा लाइट स्ट्रिंग्स होती है ना, उसमें आपको जो साउंड होती है बहुत हल्की आती है. और इन्होंने इसको हल्की स्ट्रिंग्स इसलिए दी हैं क्योंकि बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के लिए हल्की स्ट्रिंग्स सही रहती हैं. लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे गिटार्स में जो पतले गिटार्स होते हैं उसमें कभी भी आप एक्स्ट्रा लाइट स्ट्रिंग्स मत यूज करिए, 11 गेज या 12 गेज की स्ट्रिंग्स यूज करिए. हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो या आपको प्रॉब्लम प्ले हो, लेकिन उसका साउंड बहुत ही अच्छा आएगा. ठीक है, इतनी मुश्किल भी नहीं होगी लेकिन साउंड अच्छा आएगा. सो मैंने इसकी जो स्ट्रिंग्स थी इसको मैंने चेंज कर दिया, मैंने 11 गेज की स्ट्रिंग्स कर दी है. पहला चेंज मैंने ये किया, फिर मैंने इसका जो फ्रेटबोर्ड है उसको भी मैंने कंडीशन कर दिया लेमन ऑयल के साथ, क्योंकि ये गिटार जो है ये मैंने अपनी नीस के लिए खरीदा है, 9 साल की है, तो मैं चाहता हूं कि उसको गिटार दे रहा हूं तो अच्छे कंडीशन में दूं, तो मैंने इसको लेमन ऑयल से कंडीशन भी कर दिया. ठीक है, सो मैं चाहता था आपको ये चीजें पहले ही बता दूं, क्योंकि जो साउंड आएगी वो आपकी बिल्कुल स्टॉक गिटार की साउंड नहीं है. जो आप रिव्यू में सुनेंगे साउंड जो है वो गिटार सेम है, लेकिन इसकी मैंने स्ट्रिंग चेंज कर दी है. और आपको मैं यही रेकमेंड करूंगा, स्ट्रिंग चेंज करिए, वो प्रोवाइंडर जो टूल होता है उसको ले लीजिए, ताकि आपको हेल्प होगी, जिंदगी भर लास्ट करेगा. और लेमन ऑयल भी यूज करिए ताकि आपका गिटार की मेंटेनेंस बनी रहे. ठीक है, तो ये चीज आपको पहले मैं डिस्क्लेमर बता रहा हूँ कि अब जो आप साउंड सुनेंगे ना, दिस इज द बेस्ट दैट दिस गिटार कैन साउंड, क्योंकि मैंने बाकी सब चीजें अच्छी कर दी हैं. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द साउंड डेमो. So, मैंने इस गिटार को काफी प्ले कर लिया है एंड इट्स टाइम फॉर माय फाइनल वर्डिक्ट. जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इसमें साउंड बॉक्स छोटा है, मतलब इतना ज्यादा वाइड नहीं है, प्लस का लो पावर भी थोड़ा छोटा है, तो आई न्यू कि साउंड जो है इतनी वाइब्रेंट नहीं आएगी, इतनी वॉल्यूम नहीं होगी. दैट्स वन थिंग विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग. सेकेंडली मेरे को पता था कि इसमें जो बेस है, जो हाईज एंड लोज है, वो इतने ज्यादा वेल स्पेस्ड नहीं होंगे. क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके अच्छे गिटार्स होते हैं उसमें बेस बहुत प्रोमिनेंट सुनता है, ट्रेबल बहुत प्रोमिनेंट सुनता है, मिड्स आपको ठीक क्लियर पता लगते हैं, तो आई न्यू कि वो इतना ज़्यादा वेल प्रोनाउंस नहीं होएगा. तो ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके अगर मैं इसका साउंड देखूँ, आई थिंक इट वॉज अ फेयरली डिसेंट साउंड. मैंने ऑफकोर्स स्ट्रिंग सेट भी चेंज कर लिया था, तो आई वॉज गेटिंग अ स्लाइटली बेटर साउंड एंड मेरे को प्ले करने में भी काफ़ी हेल्प मिल रही थी. तो ओवरऑल अगर इसको मेरे को स्कोर देना होगा फ्रॉम 1 to 10, आई विल गिव इट अ 6 और अ 6.5. ठीक है, मे बी अ 6.5 बिकॉज इट्स अ नाइस गिटार. डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर बिगिनर्स एंड इट्स वेरी गुड फॉर जो लोग छोटे होते हैं हाइट में, जैसे मैंने बच्चों के लिए लेना है, तो ये गिटार इज फैंटास्टिक. अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है और आपका बजट नहीं है बाकी गिटार्स बाय करने का, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस गिटार. इट्स अ फैंटास्टिक गिटार. अगर आप इसको मेंटेन करेंगे जो मैंने टिप्स दिए थे, तो इट विल लास्ट मे बी अ डेकेड, मे बी 7-8 years तो आपको लास्ट करेगा अगर आप मेंटेन करके रखेंगे. ठीक है, बट ऑफकोर्स अगर आपका बजट ज्यादा है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप जो बाकी महंगे गिटार्स होते हैं वो खरीदिए. बट अगर बजट नहीं है, आई थिंक इट्स अ डेफिनेट परचेज, यू शुड डेफिनेटली बाय दिस गिटार. ठीक है, तो ये गिटार जो था मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था. इसको अमेजोन में भी खरीद सकते हैं, बजाओ में भी खरीद सकते हैं, बट आई प्रेफर अमेजोन प्राइमरली बिकॉज ए उनकी रिटर्न पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बहुत कंज्यूमर फ्रेंडली हैं,
एंड सेकेंडली उसमें बहुत सारे डिस्काउंट्स आते रहते हैं, तो मैंने भी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था तो मेरे को 10% डिस्काउंट मिल गया. सो दैट्स द रीजन. ठीक है, तो यस द इंटर्न 38-inch गिटार, आई गिव इट अ स्कोर ऑफ 6 to 6.5. नाइस गिटार, यू कैन डेफिनेटली बाय दिस. दैट्स प्रीटी मच इट. दिस इज आदित्य कुंद्रा एंड आई विल बी सीइंग यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.